अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग अपनी पिक्सल लैब के ऊपर पोइट्री का जो आप स्टेटस बनाते हैं या फिर जो आप पोइट्रीज़ के ऊपर जो आप लिखना चाहते हैं किसी तस्वीर पे, तो किसी भी तस्वीर पर लिख सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। यानी ऐसा लगेगा, यानी फ्रेंड्स, कि आपने ये पिक्सल लैब पे लिखा है, ऐसा लगेगा कि किसी आपने बहुत ही ज़बरदस्त से ऐप से लिखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे होगा ये कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है पिक्सल लैब। ये आप लोगों को मिल जाएगा प्ले स्टोर से। अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का प्रीफेस आपको मिलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड पे कुछ भी हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ वाइट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है फ्रॉम गैलरी। इसको आपने क्लिक करके जो भी तस्वीर आपको चाहिए उसको आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट। देखिए, मैंने एक तस्वीर ले रखी है, इसको मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आप देख सोच रहे होंगे ये वाइट बैकग्राउंड से तो बहुत छोटी है, तो फ्रेंड्स आप इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा लंबा करके और इसको यहाँ करके थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। चले, अब आप मैं देखती हूँ पूरे में एडजस्ट हो रही है ढंग से कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी पूरी तस्वीर एडजस्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें एक टेक्स्ट लिखना है। तो अब आपने पोइट्री लिखनी है, कोई कोटेशन लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने करना है अपने पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल। ये भी आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, ताकि आप इससे उर्दू लिख सकें। और अगर आपके मोबाइल के अंदर बिल्ट इन मेमोरी में उर्दू का कीबोर्ड मौजूद है तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इससे उर्दू लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान होती है, तो मैं ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें उर्दू लिखने के लिए ईजी उर्दू को मैं ओपन करूँगी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इंग्लिश में टेक्स्ट लिखूँगी, लेकिन वो उर्दू में आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ कहने वालों का कुछ नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे नीचे कर देती हूँ, इंटर करके उसके बाद लिख देती हूँ सहने वाले कमाल करते हैं। आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी सी जो है इसके अंदर आ जाएगा, है ना। नहीं, क्यों नहीं आ रहा, हाँ आपसे ही आएगा। तो इसको मैं कर देती हूँ ओके। आप देख सकते हैं ब्लैक है, ब्लैक पे ब्लैक नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ फिलहाल वाइट कलर डाल देती हूँ या फिर कोई और कलर, ठीक है। तो कलर्स में जाने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कोई अलग अलग कलर लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखें, वाइट बहुत अच्छा लगता है हर पे, लेकिन अगर आप कोई और कलर भी लेना चाहते हैं तो ये देखें ग्रेडियंट्स कलर भी हमारे पास नज़र आ रहे हैं खूबसूरत। तो येलो में लगा के देखती हूँ, मुझे येलो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे येलो को ओके करके इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर रही हूँ, ये देखें। और इसको पहले मैं ओके कर देती हूँ, इसका साइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना बड़ा बहुत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं इसी ऑप्शन में जाकर, देखें पहले वाले ऑप्शन में ही हूँ, फॉन्ट्स चेंज करूँगी, ए बी फॉन्ट्स, माई फॉन्ट्स में जाकर मैं अपनी पसंद का फॉन्ट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने किस तरह इंस्टॉल किया इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं कि जमीन नूरी नसलीक का कीबोर्ड आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी को कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद कर दूंगी मैं ओके। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा लग रहा है गैप, इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैं उस गैप को कम करने के लिए इसको करती हूँ डबल टैप। टैप करने के बाद मैं इसमें से एक टैप कम करके इसे ओके कर देती हूँ, अब बेहतर लग रहा है। और इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा और बड़ा। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसे कहीं भी सेट कर सकती हूँ, ऊपर नीचे मेरी मर्ज़ी, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इसके अंदर क्या करना है, इसको मैं फिर एक बार और क्लिक करती हूँ, इस पर एडिटिंग हमारी पूरी नहीं हुई है। मैं यहाँ पर से ला कर इसके अंदर का बी स्टाइल में जाके इसे बोल्ड कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा सा लगने लगे, और इसे सेंटर लाइन कर देती हूँ ताकि बीच में महसूस हो टैक्स आपका। और स्ट्रोक लगा देते हैं हम इस पर ब्लैक, और स्ट्रोक को थोड़ा सा हम ये देखें यहाँ विड्थ लिखी हुई है, इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, 11 कर दिया हमने स्ट्रोक, ये काफ़ी कूल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा। अब इसमें हमें अपना नाम लिखना है, अपने चैनल वगैरह का नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। मैं अपने चैनल का इसलिए लिख रही हूँ कि मैं अपने चैनल के लिए बना रही हूँ, तो और आपको वीडियो के ऊपर बता रही हूँ, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिखा है, तो मैं इसे कर देती हूँ बंद ताकि आप इंग्लिश में ही आए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम लिख दिया स्मार्ट कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर कलर दे दिया है वाइट। तो आप देख सकते हैं वाइट देने के बाद
हमने अगेन क्या करना है, हमने जो है अपने ए बी फॉन्ट में जाके कोई सा भी अच्छा सा फॉन्ट अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया है, इसे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जूम, और इसे थोड़ा सा नीचे रख लेना है। तो फ्रेंड इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर भी आप लगाएंगे स्ट्रोक, कलर वाला भी स्ट्रोक लगा सकते हैं और सिंपल भी लगा लगा के चेक कर लें, कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा हो सकता है ब्लैक से। अच्छा स्ट्रोक की विड्थ आप थोड़ी सी इसमें भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, इसको आप देख सकते हैं मैंने इसे आर्ट कर दिया है। अब मैं कलर चेंज कर करके देख रही हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक इसके ऊपर रेड एक ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक हमारे पास ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो मैंने ब्लैक ही रहने दिया और इसे ओके कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी तस्वीरों पर लिखा हुआ था सोशल अकाउंट्स के बारे में, यानी कि आपके साइंस बने हुए थे, लोगो बने हुए थे, तो हम वो भी ले लेंगे गैलरी में। मैंने एक लेके रखा हुआ है इसको लगाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। अच्छा मेरे पास दो चॉइस है, मैंने एक ही तस्वीर में से मैं इसे क्रॉप करके निकाल सकती हूँ, एक मैं इसे ब्लैक में से ले लूँ और एक मैं इसे कलरफुल ले लूँ। तो मैं इसे ले लेती हूँ फिलहाल ब्लैक में से, ब्लैक में से लगा के हम चेक करते हैं। तो इसको मैं छोटा, ठीक है, थोड़ा छोटा करके मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया है। ये देखें कितना कूल और प्यारा लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमने ऊपर अपनी जो हमारी टिकटॉक की आईडी है हमने वो लिखनी है। वैसे मेरी नहीं है, मैं ऐसी कुछ भी बना देती हूँ, तो लिख देती हूँ टिकटॉक स्लैश, ठीक है। और इसके बाद मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ स्मार्ट कॉन्सेप्ट, मिला के लिखा हुआ होता है, आई थिंक, है ना, ठीक है। अब मैंने इसे लिख के ओके कर दिया है, और इसको भी मैं दूंगी स्ट्रोक और कलर। कलर चेंज करते हैं हम, इसमें रेड कलर लगाते हैं और ओके करते हैं। इसको कर देते हैं जो हमारे पास ये हैं, इसमें मैं अलग अलग वाला देखती हूँ, ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखें कुछ इसी तरह का होता है। बाकी मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं कि किस किस तरह की हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बनाया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस पर स्ट्रोक लगा लेना है, स्ट्रोक ऑन करेंगे ब्लैक पे, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपकी तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद आपने ये जो आपके पास कैमरे जैसा साइन है इसको करना है क्लिक, और सेव एज इमेज को क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट को चेंज करना है वेरी हाई पे। इससे होगा आपके पास बेहतरीन तस्वीर आएगी, और इसे कर देना है सेफ टू गैलरी। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।